हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आईक्यू टेस्ट, हाउ टू टेस्ट योर आईक्यू, इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और चेक करेंगे अपना आईक्यू। तो आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और सर्च करना है www.myiqtested.com पर। जब आप इसे विजिट करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना, टेक फ्री आईक्यू टेस्ट, आपका नेम पुट करना है, आपकी कंट्री चूज करना है, कंट्री यहाँ पर पहले से सिलेक्टेड है और ये फॉर्म पहले से फिल्ड है थोड़ा, जैसी हमें जरूरत थी। ओके, तो यहाँ पर है आईक्यू टेस्ट पार्ट वन, मेमोरी। पहले आपकी मेमोरी का टेस्ट करेगा, आपकी मेमोरी कैसी है। व्हेन यू क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन बिलो, यू विल फाइंड 20 डिफरेंट सिंबल विथ एन असाइंड नंबर अंडर ईच सिंबल, स्टडी देम केयरफुली एंड कॉन्सेंट्रेट, ट्राई टू रिमेम्बर द असाइंड नंबर दैट बिलोंग्स विथ ईच सिंबल, डू नॉट एक्सेप्ट टू रिमेम्बर देम ऑल, आफ्टर 30 सेकेंड द सिंबल विल डिसअपियर and will appear assigned in a different order. Write the correct assigned number in the blank spaces below each symbol. You will have 30 seconds to do this also. Note, you must memorize what number belongs to each symbol because the symbol will not appear in the same sequence again. ये कह रहा है कि 20 सिंबल, जब आप नेक्स्ट में क्लिक करेंगे तो 20 डिफरेंट सिंबल होंगे, उनके नीचे उनका नंबर होगा, आपको नंबर याद रखना है और जब 30 सेकंड के बाद में वो नंबर दोबारा से अपियर होंगे तो वो सेम सीक्वेंस में नहीं होंगे, डिफरेंट सीक्वेंस में होंगे, तो वो आपको उनके नीचे उनका जो नंबर था वो नंबर डालना होगा। तीन, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस, बारह, 15, 17. ओके, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 17 एट थर्ड 20 नंबर पर। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया। नंबर दो है प्रिसिप्शन। This test deals with the sets of number and letter. Each number set has one number missing from 0 to 9. Find the number and enter in the space at the right. Each set of letter has one letter that appears twice. Find the duplicate letter and enter it in the space at the right. Okay. Okay, do this practice problems now. Okay, the number one is missing from the number set. The letter A appear twice in the letter set. Okay, 0, 1, 2, 3, 4, 5,
और यहाँ पे ओके करेक्ट आंसर है। इसमें जो 0 से 9 तक नहीं होगा आपको चुनना होगा, और यहाँ पर जो डबल दोबारा से यानी टू टाइम जो लेटर आ रहा है आपको उसे ढूंढ करके यहाँ पे राइट करना होगा। यहाँ पर एल दो बार है इसलिए चेक आंसर, तो ये करेक्ट होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट और टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे है 0 1 2 3, 3 नहीं है यहाँ पे, ओके 3। और यहाँ पे दो बार क्या क्या वर्ड आया है, ए बी सी डी टी, टी दो बार आया है यहाँ पर। यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं है, और यहाँ पर आया है दो बार आई। यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 5 नहीं है, और यहाँ पर आया है बी। 0 1 2 3 नहीं है यहाँ पर, और यहाँ पर दो बार आया है ए बी सी डी ई। ओके तो यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 नहीं है यहाँ पर, और एस एस ई एम यहाँ पर दो बार आया है। ओके तो टाइम खत्म हो गया हमारा। पार्ट 3 वर्ड कंप्रिहेंशन। इन ईच ग्रुप ऑफ 4 वर्ड बिलो वन वन वर्ड डज नॉट बिलोंग बिकॉज इट हैज द लीस्ट इन कॉमन विद द अदर 3 वर्ड। क्लिक ऑन द वर्ड दैट डजंट बिलोंग इन द ग्रुप सो दैट इट इज हाईलाइटेड इन ब्लू। ओके सिंपल, स्टेम लेटर इनवेलप ये कनेक्टेड है। गन बॉयनट नाइफ स्वॉर्ड रॉन्ग आंसर है हमारा। करेक्ट आंसर गन इज द आंसर बिकॉज गन इज द ओनली डेट डज नॉट हैव अ ब्लेड। मुझे नहीं पता था कि बैन एक ब्लेड है। चेस चेकर गेम कार्ड गेम बिकॉज द अदर 3 आर ऑल स्पेसिफिक गेम। इफ यू अंडरस्टैंड हाउ टू डू दिस टेस्ट पार्ट क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन एंड बिगिन पार्ट 3। यू विल हैव 1 मिनट, 1 मिनट मिलेगा। ओके कंटेनर बॉक्स कैन बैरल कंटेनर बॉक्स सर्जन नर्स पेशेंट डॉक्टर सैंड बीच वाटर स्विम बटर चीज मिल्क एग्स स्मोक फायरप्लेस एशेस स्मोक साइज डीप शैलो डीप स्किंग फिशिंग सॉकर मदर फादर आंट नीस ट्रायल जज डिफेंडेंट ज्यूरी बेल्ट वॉलेट टाई हैट वॉलेट। आई थिंक मुझे फर्स्ट वाले में थोड़ा प्रॉब्लम जा रहा है। कंटेनर कैन बैरल ओके तो टाइम हो गया। विजुअल डिजाइन। ईच क्वेश्चन बिलो हैज 5 आइटम इन द ग्रुप। 1 आइटम इन ईच ग्रुप डज नॉट बिलोंग बिकॉज इट हैज द लीस्ट इन कॉमन विद द 4 अदर 4 आइटम्स। चूज द वन दैट लीस्ट लाइकली बिलोंग एंड मार्क इट लेटर इन द स्पेस एट द राइट। प्रॉब्लम क्वेश्चंस वर्क फास्ट सिंपल क्वेश्चन दिए हुए यहाँ पे। द थर्ड ऑप्शन 7 बिकॉज इट इज द ओनली ऑड नंबर इन द ग्रुप। सेकेंड वाला आंसर है। द सेकेंड ऑप्शन फुटबॉल बिकॉज इट इज ओनली नॉन राउंड बॉल इन द ग्रुप।
मैं समझ गया इसे किस तरह सॉल्व करना है, आई थिंक आप भी समझ गए होंगे। एन चेक आंसर, दोनों सही है। फोर्थ ऑप्शन एन, बिकॉज इट इज ओनली लेटर विथ स्ट्रेट लाइंस। ये अकेला एन जो है स्ट्रेट लाइन से था, और जो ये बॉक्स है इसमें डॉट बाहर है। काफी इजी है। इफ यू अंडरस्टैंड हाउ टू डू दिस टेस्ट पार्ट, क्लिक नेक्स्ट एंड बिगिन पार्ट फोर। यू विल हैव 1 मिनट, 1 मिनट मिलेगा इसे सॉल्व करने के लिए। कि इनमें से डिफरेंट क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3। ओके ओके okay. इसमें से क्या है, कंफ्यूज हो रहा हूं मैं। ओके लॉजिक, दिस टेस्ट रिक्वायर लॉजिकल रीजनिंग एंड डेडिकेशन। स्टडी ईच क्वेश्चन केयरफुली एंड कंसिडर ओनली द इंफॉर्मेशन गिवन, मेक नो असम्पशन, क्लिक ऑन द बॉक्स एंड लीव अ टिक टू द राइट ऑफ द आंसर यू थिंक इज करेक्ट। नोट, डू नॉट वेस्ट टाइम ऑन डिफिकल्ट क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन सॉल्व करना है। जॉन इज टॉलर देन मैरी, मैरी इज टॉलर देन जेन, जेन इज शॉर्टर देन हेलन, हेलन इज टॉलर देन जॉन। ओके तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगी काफी सारे, तो अभी हम इसे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए, आईक्यू टेस्ट करने के लिए आपको काफी कम टाइम मिलेगा। एलाइस इज शॉर्टर देन बारबरा, आंसर यहाँ पे मिल गया हमें। मैरी शॉर्टर देन हेलन, इसमें से कौन सा सही है चूज करना होगा आपको। ओके स्टेटमेंट ऑल, नॉट प्लेट्स आर गोट्स, नो गोट्स आर रॉन्ग, ऑल वॉन्ग्स आर प्लेट्स, नो प्लेट्स, नो प्लेट्स आर रॉन्ग, फॉल्स। जॉन इज ओल्डर देन बॉब, बॉब इज यंगर देन स्टीव, स्टीव इज ओल्डर देन जॉय, इसमें मुझे टाइम पास नहीं करना। स्प्रॉन्ग क्रिप्स प्लाउट मीन्स वार्निंग हिरेंस वॉच, क्लॉन्ग मीन क्रिप्स मीन्स ब्रेप्स फॉर ब्रेक्स एंड प्लाउड डेनिस मीन्स स्मॉल क्राफ्ट वॉन्ग। व्हाट डस स्प्रॉन्ग मीन, स्प्रॉन्ग का मतलब क्या है, तो स्प्रॉन्ग मीन्स वार्निंग। जून लिव्स 3 माइल्स डायरेक्टली नॉर्थ ऑफ लॉइस, लॉइस से नॉर्थ में जो द रिलेशनशिप टू जून, वेयर डस एन लिव। ओके क्लिक करना है आपको, टाइम कितना है। ओ अभी तो टाइम बहुत है, तो अभी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। सॉरी फ्रेंड, तो आप देख सकते हैं ऑल, ऑल यहाँ पे आप सवाल देख सकते हैं, ऑल वॉन्ग्स आर प्लेट्स, सारे के सारे जो वॉन्ग्स है प्लेट्स है, और जो प्लेट्स है वो गॉड्स नहीं है, तो नो गॉड्स आर वॉन्ग, नो गॉड्स आर वॉन्ग, तो ये ट्रू है।
जॉन इज ओल्डर देन बॉब, जॉन जो है वो बॉब से बड़ा है, और बॉब जो है वो स्टीव से छोटा है। स्टीव इज ओल्डर देन जॉय, स्टीव जॉय से बड़ा है, स्टीव जॉय से बड़ा है। जॉन रे जॉय इज ओल्डर देन जॉन, जॉय जॉन से बड़ा है। एंड रे इज यंगर देन जिम, और रे जो है वो जिम से छोटा है। बॉब इज ओल्डर देन रे, बॉब बड़ा है रे से। जॉय इज ओल्डर देन बॉब, ओके ये जुमला सही है, जॉय जो है बॉब से बड़ा है। इसके बाद ये तो हमने सॉल्व कर लिया था। जून लाइज 3 माइल, जून लाइज 3 माइल डायरेक्टली नॉर्थ ऑफ लॉइस, ओके। जून नॉर्थ में रहती है 3 माइल्स लाइज से। एन लिव्स 3 माइल्स डायरेक्टली साउथ ऑफ स्टीसी, स्टीसी से साउथ में 3 माइल पर रहती है स्टीसी। स्टीसी लिव 3 माइल डायरेक्टली ईस्ट ऑफ जून। ईस्ट में स्टीसी रहती है जून से 3 माइल की दूरी पर। और सॉरी, मैं यहाँ पर अभी एक छोटा सा मैप तैयार कर रहा था, टाइम काफी कम है। स्टीसी लीव्स 3 माइल्स डायरेक्टली ईस्ट ऑफ जून, लॉइस लीव्स 3 माइल डायरेक्टली वेस्ट ऑफ एन। जून वेयर डस एन लिव, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट ही सही आंसर होगा। पार्ट सिक्स स्पेशल रिलेशंस, ड्रॉ लाइंस इन द स्क्वायर्स एट द राइट टू शो हाउ टू पीसेस एट द लेफ्ट फिट इनटू द ब्लैंक सीक्वेंस। द लाइंस ड्रॉन मस्ट फिल द ब्लैंक स्क्वायर्स कंप्लीटली। ड्रॉ लाइंस इन द स्क्वायर्स एट द राइट टू शो हाउ टू पीसेस एट द लेफ्ट फिट इनटू द ब्लैंक सीक्वेंस। द लाइंस ड्रॉन मस्ट फिल द ब्लैंक स्क्वायर्स कंप्लीटली। लेफ्ट क्लिक वंस ऑन द बॉक्स टू स्टार्ट ड्रॉइंग अ लाइन, देन अ लाइन एंड देन लेफ्ट क्लिक अगेन टू फिनिश योर लाइन विल टर्न फ्रॉम ग्रे टू रेड। Your line, left click once to the box to start drawing a line and then left click again to finish your line will turn from grey to red। आपकी लाइन जब खत्म हो जाएंगे आपको बनाना तो वो ग्रे से रेड में टर्न हो जाएगी। When it is complete, if you make a mistake you can press clear box button to start again। The first three example below are animated to show you how to draw line।
ओके तो इधर है बॉक्स, हमने बॉक्स पे ध्यान नहीं दिया। ओ मैं से जूम कर लेते हैं, सॉरी। इस पे क्लिक नहीं हो पा रहा। ओके मैं अभी माउस का यूज करता हूँ बिकॉज ये फिंगर से नहीं हो पा रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो अभी आप देख सकते हैं ये बराबर वर्क नहीं कर रहा है। अभी हम डायरेक्ट चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ओके तो आप देख सकते हैं हाउ टू कंप्लीट। ओके तो यहां से बीच में से बॉक्स ड्रॉ करते हैं हम। तो अभी हम यहाँ पे इसे ड्रॉ कर रहे हैं यहां से यहाँ, सॉरी। कि आप देख सकते हैं इस तरह ऊपर नीचे हो रहा है कभी कभी। इसे कंप्लीट कैसे करना है? ओके तो ये सबमिट हो गया ऑटो। यहाँ पे न्यूमेरिकल सीक्वेंस हम देख रहे हैं। इन ईच सेट बिलो यू आर टू इंसर्ट द नेक्स्ट नंबर ऑफ द सीक्वेंस इन द ब्लैंक स्पेस। नोट द की टू दिस प्रॉब्लम टू ब्रेक डाउन ईच सेट ऑफ द नंबर इनटू ग्रुप अंटिल यू ऑब्जर्व अ पैटर्न और रिलेशनशिप बिटवीन देम। देन अप्लाई दैट पैटर्न फॉर्मूला टू द नेक्स्ट ग्रुप एंड फाइनली टू सॉल्व द प्रॉब्लम। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर आई थिंक 1 2। डू दिस प्रैक्टिस 1 2 3 4 5 5 6 6 चार डाल देते हैं यहाँ। आंसर इज 4 रॉन्ग।
वन फोर एंड फाइव, यू एट थ्री. This set is number should divided into group of three. Observe the first three number 1, 4, 5. You add 3 to the first number to get 4. Then you add 1 to the second number to get 5. ओके तो इस तरीके से है ये. नाउ लुक एट द नेक्स्ट थ्री नंबर 2, 5 और 6. एट 3 टू द फर्स्ट नंबर टू गेट 5, देन एड 1 टू द सेकेंड नंबर टू गेट 6. Now apply that formula to solve the sequence at 3 to 3 to get 6. Answer yeah, pega 7. Answer is correct. तो हमारे समझ में आ गया है किस तरह सॉल्व करना है. 2, 2, 4, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 आए गए यहाँ पर. 10, 5, 10, 5, 3, 8, 12, फिर 3, 6, 7, 8, 9. तीन तो यहाँ पर इसका आधा होगा, तीन तो तीन में 6, 7, 8 आएगा यहाँ पर. 3, 3, 9, 9, ये काफी हार्ड है तो इसमें हम हमारा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. ओके क्रिएटिविटी, यू विल फाइंड थ्री वर्ड इन ईच सेट बिलो. योर टास्क इज टू फाइंड a fourth word that can be used with each of the three words. In the each case, the fourth word must be placed after each word, each of the three word into the front of them to form a new common word. Write common word. Write your fourth choice in the blank place. Don't waste time to problem question. Friendship, crushship, membership. South Pole. Star. Check answer. यहाँ पर एक मिनट होगा दस सॉल्व करने के लिए हमारे पास. डम डालकर देखते हैं यहाँ पे. नॉर्थ मेकिंग नॉर्थ स्टार, नॉर्थ पोल, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट. ओके नॉर्थ इज करेक्ट बिकॉज नॉर्थ स्टार, नॉर्थ पोल, नॉर्थ ईस्ट. अभी हम जाते हैं नेक्स्ट पर और देखते बुक डेट रेयर कप स्कोच फ्लाई टर्न हिट बर्ड गार्डन बोल ग्रीन फायर सुपर
और पेपर कॉटर कम टर्न हेड कप स्कोच फ्लाई बुक रीड बुक रीड दैट रियर यहाँ पर क्या आएगा सब ऐड कर देते हैं यहाँ पे ग्रीन और टर्न अ हीट वेट क्लूज ईमेल माय रिजल्ट ईमेल एड्रेस रिमेम्बर मी ऑन दिस कंप्यूटर ओके आपको यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस डालना होगा नेक्स्ट करते हैं ताकि यही वो रिजल्ट बता दे हमारा आईक्यू है 120 लेफ्ट ब्रेन 61% वर्क करता है जबकि राइट ब्रेन करता है 38% वर्क आप देख सकते हैं योर आईक्यू पोर्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस 101 से 130 इंडिकेटिंग दैट You are of above average intelligence. Your numerical skills are about average, and you are able to get by with number and mathematics. A stronger grasp of mathematical concepts and more practice with math and number would help you in planning your finance or understanding statistics. However, you have excellent word comparison skill and perform. Extremely well at language-based tasks such as writing an article or understanding written work. This will help you greatly if you are involved in publishing or journalism. You are a visual person and have good visual analysis skill. This help you to achieve a strong result in visual design. Okay, so main le leta hu screenshot iska aur karte hain hum ise next. नेक्स्ट जाने के बाद हमें यहाँ पर बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी ओवरऑल स्कोर था हमारा 61% और मेमोरी हमारी है 67% वर्ड कंप्रेशन 80% लॉजिक है हम लगाते 63% और नंबर न्यूमेरिकल सीक्वेंस हमें याद रहता है 41% तक के ओके इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं हम अब हम जाएंगे नेक्स्ट वाले पेज पर तो नेक्स्ट वाले पेज पर हमें राइट ब्रेन देखने को मिलेगा टोटल बता रहा था मोहम्मद अम्मार आईक्यू रिपोर्ट अब जाएंगे तो यहाँ पे राइट लेफ्ट ब्रेन बताएगा यहाँ पे बनाएगा राइट ब्रेन आपका जो राइट ब्रेन है कितना वर्क करता है और राइट ब्रेन ओवरऑल 38% प्रिसिप्शन 34 और विजुअल डिजाइन 68 स्पेशल रिलेशन 50% और क्रिएटिविटी 0% बिकॉज क्रिएटिविटी होती है हमारे राइट ब्रेन में और क्रिएटिविटी के ताल्लुक से कोई क्वेश्चन हमने सॉल्व नहीं किया ये लिंक शेयर करने के लिए कह रहा है बट मैं लिंक शेयर नहीं करूंगा तो अगर आपको अपना आईक्यू टेस्ट करना है तो आपके लिए एप्लीकेशन है बहुत ही बेहतर एप्लीकेशन आप इसे प्रिंट भी कर सकते हैं आप यहाँ पे आके अपना जो आईक्यू है उसे प्रिंट भी कर सकते हैं मेन्यू में भी जा सकते हैं आईक्यू टेस्ट भी कर सकते हैं डायरेक्टली और अबाउट इसके देख भी सकते हैं तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें शेयर करें और आईक्यू टेस्ट आपको कैसा लगा तो वो हमें बताएं कमेंट में थैंक्स फॉर वॉचिंग अल्लाह हाफिज़ गुड बाय